अमरोहा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सपा बसपा व रालोद का गठबंधन पूरी तरह से सक्षम है। यही कारण है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी बसपा के कुंवर दानिश अली को रिकॉर्ड मधु से जिताने की नौगावा सादेत के बादशाहपुर स्थित श्री राम किसान इंटर कॉलेज में कुंवर दानिश अली के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे उनसे वो एक भी पूरा नहीं किया गया है। हम अच्छे दिन की तलाश कर रहे हैं, कहा था कि एक दिन आएंगे, अभी तक नहीं आए। हमने बताया जाए कि वह कहां तक पहुंचे हैं, हम उन्हें स्वयं ढूंढ लेंगे। प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि और से चौकीदार चोर है का नारा सुनने के बाद भी यादव ने कहा कि यह हमारी संस्कृति नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन चौकीदार की चौकी इस दीवार में जरूर छीननी है। डायल सौ पुलिस के बारे में कहा कि हमें विश्व की सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाबा थाट योगी की सरकार ने उसे भी भ्रष्ट बना दिया है। गुंडागर्दी चरम पर है, जिससे पुलिस भी महफूज नहीं है। पांचवें स्वयं को संस्कारवाद पार्टी बताती है। इस पर कटाक्ष करते हुए श्री यादव ने कहा कि भाजपा का एक सांसद भी अपनी पार्टी के विधायक को जूते मारता है, ये इसका संस्कार है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा व रालोद के गठबंधन के बाद भाजपाइयों की नींद हराम हो गई है, इसलिए भाजपा ऊंचे हथकंडे अपनाने पर उतारू है। उन्होंने मतदाताओं का आह्वान किया कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और 18 अप्रैल को होने वाले मतदान में हाथी के आगे बटन दबाकर गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को कामयाब बनाएं। इससे पहले लोक लेखा समिति के चेयरमैन पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली, कमाल अख्तर, मौलाना जावेद आब्दी ने भी सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष सपा जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह यादव ने की, संचालन UIMLC परफेस अली ने किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में सपा बसपा और RLD के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनसभा से अमरोहा ऑनलाइन के लिए नदीम सिद्दीकी के साथ अंदाज़ अमरोहा।